जो जैसे मैंने कहा कि देश को परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उन्हें मजबूत करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कुछ साथियों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया, जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुफिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला युवक युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेशनल कमिटीज, सेशन कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्शन कमीशन के इश्यूज, किसानों के इश्यूज, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दिए। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल और दिल्ली स्टेट की अध्यक्ष की जिम्मेदारी, के शर्मा नेशनल जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट, मिस्टर फैजल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला एंड ओवरसीज इंडिया डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, नरेंद्र वर्मा, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मीडिया एंड आईटी डिपार्टमेंट, जितेंद्र आवाज, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटक, लेबर डिपार्टमेंट, सिविकाइज ओबीसी डिपार्टमेंट, सूरज कोहली, प्रेस पब्लिसिटी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब बातें, नसीम सिद्दीकी नेशनल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा और कुछ साथी, ऐसे जिम्मेदारी कुछ साथियों के ऊपर दी है और कुछ साथी है इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो टीमें हैं, ये पूरी टीम सभी देश के साथियों को एक वजूद बनाए, लोगों को एक तरह से विश्वास देंगे, भरोसा देंगे और देश में जो परिवर्तन लाना है इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हिस्सा है वह हिस्सा उठाने के लिए ये टीम आप सबको सहयोग देगी, आप ही उनको सहयोग देंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।